हेलो दोस्तों, एक छोटा सा स्टॉक है, 50 रुपीज़ के रेंज का स्टॉक है दोस्तों। उसमें बहुत हेवी गिरावट आ रही है और भी उस स्टॉक का जो प्राइस है डिक्रीज़ होने वाला है। तो अगर आपने ख़रीदा है तो मैं बोलूँगा कि आप वहाँ से निकल जाएँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हो परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्ज़िट भी कर सकते हो। वो स्टॉक है दोस्तों सेल सेल, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 41.65 चल रहा है, अराउंड 42 रुपीज़ के आसपास दोस्तों। अभी भी ये स्टॉक में बहुत ज़्यादा और बहुत हेवी गिरावट होगा। ठीक है, अगर आपने ख़रीदा है तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर गिरावट आता है किसी भी स्टॉक में तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये वो स्टॉक है दोस्तों जिसमें बहुत ज़्यादा और हेवी गिरावट है, तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये स्टॉक ने जो दोस्तों 52 रुपीज़ का जो हाईएस्ट मारा था 52, उसके बाद अभी देखिए 41 में है। तकरीबन 20% की गिरावट हो चुकी है। ठीक है, तकरीबन 20% की गिरावट हो चुकी है और अभी भी गिरावट जो है कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, गिरावट अभी कंटिन्यू रहेगा। आज के डेट में आप देख सकते हो मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया, देख सकते हो दोस्तों मार्केट अभी +10 में है। लेकिन दोस्तों आज जो है मार्केट जो है बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था। तो यहाँ पर आपके सामने देखिए बैंक निफ्टी है दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी आपको जो है पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन दोस्तों ये स्टॉक में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 52 रुपीज़ का स्टॉक है 40 रुपीज़ में आ चुका है और अभी भी मार्केट पॉजिटिव होने के बावजूद भी स्टॉक में थोड़ा भी मूवमेंट नहीं है। इसका बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, और वो कारण है दोस्तों आपके सामने, आप लोगों को पता होगा कोरोना वायरस के वजह से बहुत ज़्यादा जो हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट था चाइना से, वो जो है रुक चुका है। उस वजह से बहुत सारे स्टील सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में दोस्तों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको ऐसी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, ये कंपनी ने 1 ईयर में, 1 साल के अंदर जो है -5% का रिटर्न दिया है, मतलब कि कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, इससे अच्छा था कि आप फिक्स डिपॉजिट करवा देते बैंक में, उसके बाद यहाँ पर 1 मंथ में यहाँ पर देख सकते हैं 17%। मैंने बोला ना कि 20% जो है स्टॉक टूट चुका है, तो अभी और भी जो है वो भी आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा कुछ दिनों में। ठीक है, डिविडेंड यहां पर देख सकते हैं, डिविडेंड जो है ठीक ठाक है, लेकिन अट्रैक्टिव डिविडेंड जो होता है, जो अट्रैक्टिव डिविडेंड होता है वो नहीं है दोस्तों। और स्टॉक में देख सकते हैं दोस्तों 52 वीक जो हाईएस्ट है 60 रुपीज़ का ही है। ठीक है, और 60 से अभी दोस्तों 40 रुपीज़ में है, और 30 में अगर आ जाएगा तो दोस्तों 50% ये स्टॉक जो है टूट चुका होगा और जिन्होंने खरीदा होगा उनको बहुत ज़्यादा हेवी नुकसान होगा। तो मैं बोलूँगा ऐसे स्टॉक को आप अवॉइड करें जब तक दोस्तों मामला शांत नहीं हो जाता, जैसे कि चाइना में हो रहा है, धीरे धीरे इंडिया में भी स्प्रेड होते जा रहा है धीरे धीरे। तो मानता हूं कि थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन दोस्तों उसका कोई अभी तक समाधान नहीं निकाला गया है। अगर अगर आप, हम यहां पर देख सकते हैं कि दोस्तों टेक्निकली मैं आपको दिखाता हूं चार्ट को, तो ये जो स्टॉक है आपके सामने यहां पर देख सकते हैं फुल बेरिश ही आपको नजर आ रहा है, मतलब कि दोस्तों बुलिश बहुत कम है, बहुत कम। बाई चांस जो है थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है मार्केट, या कोई न्यूज अगर ऐसा बीच में आता है तो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है। ठीक है, नहीं तो दोस्तों ये स्टॉक देखिए अभी बेरिश मूड में है और थोड़ा और भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ऐसे स्टॉक से हमें बच के रहना चाहिए बिल्कुल। और जिन्होंने हाई प्राइस पे ख़रीदा है, मैं दोस्तों बोलूँगा कि हो सकता है 5 से 6 रुपीज़ और गिरावट आ सकता है। अगर अगर अभी मान लीजिए कि मार्केट में अगर थोड़ी बहुत गिरावट आना स्टार्ट हो जाएगा तो दोस्तों 5 से 6 रुपीज़ गिरावट हो सकता है, मतलब कि अभी भी अगर देखिए तो दोस्तों 10 से 15% का गिरावट नज़र आता है ऐसे स्टॉक में। ठीक है, तो मैं बोलूँगा थोड़े ऐसे स्टॉक को थोड़ा अवॉइड कीजिए। और कुछ नहीं मैं बोलना चाहता, मैं यही बोलूँगा एक्स्ट्रा एटीट्यूड की जगह एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखो जिससे आपको लॉस ना हो। ठीक है, और दिक्कत की कोई बात नहीं है दोस्तों, आपको एक्स्ट्रा एटीट्यूड नहीं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन रखना है जिससे आपको नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर देखिए मार्केट हो सकता है कि कोरोना वायरस की वजह से गिरे, बहुत सारे ऐसे भी ब्रोकरेज हैं दोस्तों, एक्सपर्ट्स हैं जो बताया जा रहा है कि मार्केट गिर सकता है, तो मैं बोलूंगा अपने पास कैश रखना सही रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास कैश रहेगा तो आप आने वाले दिनों में जब मार्केट गिर जाएगा तो आप अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जिससे आपको आने वाले दिनों में प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम फिर से बताने वाले हैं दोस्तों कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है।